जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को भाजपा ने समर्पण दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोदी ऐप के माध्यम से भाजपा के लिए चंदा जुटाने का अभियान भी शुरू किया। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने उपाध्याय को याद करते हुए कहा कि उनका पूरा जीवन देश की संस्कृति और देश के हित के लिए समर्पित रहा। भाजपा हिमाचल प्रदेश ने आज प्रदेश भर में समर्पण दिवस मनाया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि दीनदयाल के बलिदान दिवस पर भाजपा देश भर में हर बूथ पर समर्पण दिवस आयोजित कर रही है, उसी प्रकार से हिमाचल में भी हर बूथ पर ये कार्यक्रम हो रहा है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सबसे पहले देश, उसके बाद पार्टी और अंत में मैं के सिद्धांतों की राजनीति से कार्यकर्ताओं को संस्कारित करने का काम किया। उन्होंने कहा कि उनका एकात्मक मानववाद का दर्शन न केवल भारत अपितु संपूर्ण विश्व की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। साथ ही उन्होंने कहा कि संघ के स्वयंसेवक से लेकर जनसंघ के अध्यक्ष तक जीवन के अंतिम क्षणों तक दीनदयाल उपाध्याय के जीवन में स्व का कोई स्थान नहीं था, बल्कि उनका पूरा जीवन देश की संस्कृति और देश के हित के लिए समर्पित रहा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर आज के दिवस को समर्पण दिवस के रूप में मना रही है, क्योंकि आज ही के दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है। इस समर्पण दिवस का मुख्य उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आम समाज के लोग हैं, उनसे 5 रुपये से लेकर के 1,000 रुपये तक डोनेशन ले रही है, ताकि पार्टी को चलाने के लिए आगे बढ़ाया जाए और पार्टी को आर्थिक दृष्टि से कार्यकर्ताओं के सहयोग से चलाया जाए। उसी कड़ी में आज हर बूथ के ऊपर पूरे देश के अंदर जो समर्पण दिवस मनाया जा रहा है, और हम सब लोगों ने अभी डोनेशन की है, और मेरा आग्रह रहेगा प्रदेश के सभी समाज के नागरिकों से और अपने कार्यकर्ताओं से कि वो आज समर्पण दिवस के उपलक्ष्य में आदरणीय दीनदयाल जी ने जो एक विषय दिया था, विचार दिया था कि शुद्धता से राजनीति चले, ईमानदारी से राजनीति चले, उसी कड़ी में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने इस दिवस को बड़े स्तर पर मनाने का आग्रह किया है। तो हम सब लोग आज इसको मना रहे हैं और सब लोगों से आग्रह है कि वो भी सब लोग इसमें डोनेशन करें। कार्यक्रम संयोजक राम सिंह ने बताया कि समर्पण दिवस का कार्यक्रम हर बूथ पर सफलतापूर्वक रूप से मनाया गया और पार्टी को इस कार्यक्रम से बल मिला है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र नेतृत्व ने जो आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर पूरे देश में हर बूथ पर समर्पण दिवस के रूप में मनाने का ये संकल्प लिया है, क्योंकि पार्टी ये चाहती है कि राजनीतिक दल भी शुचिता से काम करें। सभी जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं या बीजेपी से जो सिंपेथाइजर हैं, उनसे आज विशेष तौर पे ये आग्रह किया गया है कि कम से कम 5 और अधिक से अधिक 1,000 रुपया, चाहे चेक के द्वारा, चाहे नमो ऐप में डिजिटल पेमेंट के द्वारा। और पार्टी ने प्रदेश में ये निर्णय लिया है कि हर बूथ स्तर पर आज समर्पण दिवस मनाया जाएगा, और जहाँ पर पंडित दीनदयाल जी की मूर्ति चित्र पर माल्यार्पण किया जाएगा, उसके बाद 5 रुपये से 1,000 के बीच में वहाँ पर धनराशि समर्पित की जाएगी। और पार्टी ये विशेष तौर पर आग्रह कर रही है कि हर बूथ पे कम से कम 2 कार्यकर्ता और उससे भी अधिक हो सके तो नमो ऐप में डिजिटल पेमेंट के द्वारा इस पे अपना समर्पण करें। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती एवं सभी पदाधिकारियों, मोर्चे प्रकोष्ठों के अध्यक्ष एवं महामंत्रियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।